हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसन के लड्डू बनाएंगे, तो इस रेसिपी को बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे। तो घी मेल्ट हो चुका है, इस टाइम पे इसमें सूजी डालेंगे। तो मैंने एक छोटी कटोरी सूजी इसमें डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भून लेंगे। बेसन के लड्डू में थोड़ी सी सूजी ऐड करने से बेसन के लड्डू का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी इसको हम रोस्ट कर लेंगे। सूजी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, हम इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही ऐसे ही चलाते रहना है। तो सूजी रोस्ट हो चुकी है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई को फिर से गर्म करेंगे और इसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम घी डालेंगे। इसको मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट होने के बाद इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 1 कटोरी बेसन ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसका भी कलर चेंज नहीं करना है। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करेंगे। आज मैं बेसन के लड्डू की ये बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। दिवाली पे आप अपने घर पे ये लड्डू आसानी से बना सकते हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। तो इसको मैंने रोस्ट कर लिया, गैस को बंद कर देंगे और अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। अभी एक पैन लेंगे और इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी का आधा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो इसमें बॉयल आने के बाद गैस को मीडियम कर लेंगे और इसको हल्का हल्का सा ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि इसमें तार नहीं बनने लग जाता। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी, चाशनी जो है वो गाढ़ी होने लग गई है। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा तार बनने लग गया है। अभी गैस को हम कम कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद इसमें सूजी डालेंगे। जो सूजी मैंने रोस्ट की हुई थी उसको ऐड करेंगे। उसके बाद बेसन को ऐड करेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैं एक साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ और इनको अच्छी तरह से चाशनी के साथ में मिक्स कर देंगे। इनको चाशनी के साथ मिक्स करने पे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होगी। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा पतला लगेगा और धीरे धीरे ये बहुत ही ठीक होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा। तो इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। मैं 1/2 चम्मच से भी कम इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने केसर का दूध लिया है, थोड़ा सा केसर इसमें मैंने भिगो दिया था। तो अभी मैं इसको ऐड कर देती हूँ। केसर का दूध ऐड करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और लड्डुओं में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। ये काफ़ी थिक होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे 1 मिनट के बाद में देखिए। तो ये काफ़ी थिक हो गया, गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद एक प्लेट लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर घी डालेंगे और इसको ग्रीस कर देंगे। तो मैं हाथों से ही इसके ऊपर घी को लगा देती हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। अभी हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ये पेस्ट लिया है और इसके लड्डू बनाएंगे। आप चाहें किसी भी शेप में लड्डू बना सकते हैं, दोनों हाथों से, एक हाथ से, जैसे चाहें आप लड्डू बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है।
लड्डू बनाने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो पेस्ट है इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी लड्डू जो है वो अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।